हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आरएनए। हमने लास्ट टाइम देखा था व्हाट इज डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यस, दैट होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन। ठीक है, एंड व्हाट आर द बेस फॉर्म्स ऑफ डीएनए? व्हाट आर द बेस फॉर्म्स ऑफ डीएनए? लेट अस जस्ट रिकैप। डीएनए बेस फॉर्म्स: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। और हमने ये भी देखा था कि ये जो बेस फॉर्म्स, जब बेस पेयर्स बनाते हैं तो किसके साथ बनाते हैं? बेस पेयर्स फॉर्म विथ ए एंड टी और सी एंड जी, यस। ठीक है, तो अभी आरएनए के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं अभी कि आरएनए क्या है। आरएनए इज वेरी सिमिलर टू डीएनए, ठीक है, लेकिन आरएनए जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या क्या था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए, बट द की डिफरेंस इज आरएनए इन आरएनए स्ट्रक्चर इज दैट द राइबो शुगर इन आरएनए पोसेसेस अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज एब्सेंट इन डीएनए। फर्क क्या है इन दोनों में? कि आरएनए के स्ट्रक्चर में एक राइबो शुगर, जो राइबो शुगर है उसमें उसमें है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड इन आरएनए। इन the key difference is what? DNA RNA structure is that a ribose sugar in RNA, जो हमने देखा था DNA के structure में जो ribose sugar था, DNA में hydroxyl group नहीं है, RNA में hydroxyl group है। hydroxyl group को कैसे denote करते हैं? OH। ये hydroxyl group is present in RNA in the ribose sugar। Okay? ये इसका मेन डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के बीच में। ओके, अभी जो बेसिस हमने देखे थे डीएनए में है, आरएनए में कौन से बेस फॉर्म्स है? आरएनए में है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, यूरासिल। आप देख रहे हैं क्या मिसिंग है? थाइमिन इज मिसिंग इन आरएनए। ठीक है, तो आरएनए के बेस फॉर्म्स क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ओके, ठीक है, ये है दूसरा फर्क। एक तो राइबो शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, दूसरा एडेनिन इसमें थाइमिन इज एब्सेंट, यूरासिल इज प्रेजेंट। ओके, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन जीन एक्सप्रेशन बाय एक्टिंग एज इंटरमीडिएट बिटवीन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोडेड बाय डीएनए एंड प्रोटीन्स। आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारे सेल में, ठीक है, उस वो है जीन एक्सप्रेशन का। इसका आरएनए का रोल क्या है? जीन एक्सप्रेशन। ओके, रोल ऑफ आरएनए इज जीन एक्सप्रेशन। वो क्या करता है? बिचवई का काम करता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब जैसे आपके और प्रिंसिपल के बीच में टीचर, ऐसा एक इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए ने कोड किया हुआ है उसको पढ़ के डीएनए प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्म होना चाहिए। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं वो कैसा होता है। अभी आरएनए के भी कई टाइप्स है, तीन टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है कोडिंग आरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। ओके, दूसरा है नॉन कोडिंग आरएनए, ये इसमें आता है राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, इसमें आता है राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर
आरएनए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। याद रखो, कोडिंग आरएनए में मैसेंजर आरएनए आते हैं और नॉन कोडिंग में राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए आता है। ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे आरएनए के फंक्शन में, क्या करता है आरएनए, ठीक है। अभी हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन आरएनए कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको समझने के लिए। ओके, ठीक है। अभी है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो अभी इधर एक आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा। ओके, ये सेंट्रल डॉगमा क्या है? हाँ, बहुत अजीब सा नाम है कि नहीं? ये सेंट्रल डॉगमा इज अ प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। और इसका फर्स्ट प्रपोजल दिया था फ्रांसिस क्रिक, जिसने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, उसी ने ये सेंट्रल डॉगमा भी प्रपोज किया था। कब? 1958 में। ये सेंट्रल डॉगमा वॉज प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक, कब? 1958 में। ओके, यही है अपना डीएनए जिसने डिस्कवर किया था। ओके, डीएनए का, डीएनए डिस्कवरर। ओके, इसी ने ये सेंट्रल डॉगमा भी दिया। अभी सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है? इसका एक बेसिक स्टेटमेंट है, आपको डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शन इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट, द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। ये फंक्शनल प्रोडक्ट आप पता, आपको ऐसे जैसे हम पढ़ेंगे पता चलेगा कि है प्रोटीन। ओके, अभी ये क्या एक्सप्लेन करता है सेंट्रल डॉगमा? व्हाट डज द सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन? वन, इट एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू मेक ए फंक्शनल प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोटीन। व्हाट ऑल डज इट एक्सप्लेन, थोड़ा डिटेल में देखेंगे सेंट्रल डॉगमा क्या एक्सप्लेन करता है। सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन करता है कि आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए कैसे फ्लो होता है। सो हाउ विल यू राइट इट? इट एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ, एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। ओके, फिर सेकंड क्या बताता है? इट सजेस्ट दैट डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक ऑल ऑफ आवर प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या बताता है कि डीएनए के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन है प्रोटीन कैसे बनाना है, या प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब हाउ टू मेक द प्रोटीन। सो हु कंटेन्स ऑल दैट इंफॉर्मेशन? डीएनए कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? डीएनए contains all the info for protein synthesis। अब ये protein synthesis नाम देख के डरो मत, protein synthesis का मतलब है कि protein बनाने का काम, ठीक है। protein बनाने के लिए जो information की जरूरत है, इसको ये scientific term है, इसलिए आपको जानना जरूरी है protein synthesis है। That DNA contains the information needed to make all of our proteins, ठीक है। एंड दैट दूसरा क्या, आरएनए इज ए मैसेंजर दैट कैरीज दिस इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम्स। आरएनए क्या करता है? आरएनए कैरीज दिस इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम्स। फिर अभी राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम सर्व एज फैक्ट्रीज इन द सेल वेयर द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड from a code into the functional product, ठीक है। राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम एक्ट एज फैक्ट्रीज। ये राइबोसोम में ही
ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में बोला था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन तीन टर्म्स आने वाले, तो अभी इसमें हमको जरा सा एक ग्लिम्स मिलेगा कि ये क्या होता है। हा? तो ये राइबोसोम जो है ना सेल के अंदर, राइबोसोम्स फैक्ट्री जैसे काम करते हैं, जहां पर ये आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया ना डीएनए से, है वो क्या होता है, ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट होके कोड बनता है एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो राइबोसोम्स सर्व एज फैक्ट्रीज। ओके, फैक्ट्रीज फॉर व्हाट? वेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए, वेयर द इंफॉर्मेशन जो आरएनए लेके आए इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ कोड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। ओके फाइन, अभी द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इंस्ट्रक्शन आर कन्वर्टेड इन टू द फंक्शनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना जहां डीएनए से लेके फंक्शनल प्रोडक्ट तक बनने का, इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इंस्ट्रक्शन, डीएनए का इंस्ट्रक्शन जो आरएनए ने लिया और राइबोसोम तक लेके गया और वहां राइबोसोम में इट वॉज कन्वर्टेड इंटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन क्या है, अभी आई होप आप ये समझ गए, क्योंकि मैं मिटाने वाले आपको और समझाना है मुझे और भी इसके आगे क्या होता है, क्या होता है। इधर देखो एक बार देख लेते हैं, सेंट्रल डॉगमा किसने डिस्कवर किया था, किसने सजेस्ट किया था, फ्रांसिस क्रिक, हु ऑल्सो डिस्कवर्ड द डीएनए और 1958 में। और सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है, द सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट, द फंक्शनल प्रोडक्ट इज प्रोटीन। ओके, तो इसका मेन पॉइंट क्या था, वट डज सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन, इट एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। सेंट्रल डॉगमा जब आप पढ़ोगे तो क्या वो क्या पता था, क्या एक्सप्लेन करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर है वो कैसे फ्लो होता है डीएनए से आरएनए तक, फिर डीएनए कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अभी ये जो आरएनए डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, अबाउट हाउ टू मेक प्रोटीन्स, है कि नहीं। तो डीएनए आरएनए डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके सेल न्यूक्लियस के बाहर आता है, किसके पास, राइबोसोम के पास आता है। तो डीएनए कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके इधर लिखते हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो कहां से इन्फॉर्मेशन लेके आता है आरएनए, डीएनए से लेके आता है, लेके किधर जाता है, कैरीज इट दिस इन्फो टू द राइबोसोम के पास लेके जाता है। और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम ये इन्फॉर्मेशन लेके उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आया है ना, आरएनए लेके आया ना, उसको ट्रांसलेट करके कोड बनाता है फाइनल प्रोडक्ट, फंक्शनल प्रोडक्ट, प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये कैसे होता है। ओके ओके, तो हमने देखा अभी एक वर्ड हमने टर्म सुना था, अभी मैंने बताया था आपको जीन एक्सप्रेशन। ये क्या है जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन एक टर्म है जो बताता है कि ये जो प्रोसेस है जो डीएनए से लेके फंक्शनल प्रोटीन तक बनने का जो प्रोसेस है, तो वो उसका उसका डेफिनेशन, जीन एक्सप्रेशन का डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल प्रोडक्ट, बस सिंपल। ठीक है, अभी हमने देखा था कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डीएनए से आरएनए इन्फॉर्मेशन लाके राइबोसोम को दे रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है कि नहीं। सो वो प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो फॉर्मली उसको कैसे सेंटेंस में लिखोगे, द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इंस्ट्रक्शंस, मैं लिख के दे देती हूं इधर, द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इंटू द फंक्शनल प्रोडक्ट। ये फंक्शनल प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन। ओके, अभी जीन एक्सप्रेशन दो स्टेज में होता है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन।
ठीक है। जीन एक्सप्रेशन दो स्टेज में होता है, क्या है? एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। आपका बॉडी कितना अद्भुत है, आप ही देखिए क्या क्या चलता है, एक सेल के अंदर क्या क्या चल रहा है। आप देखिए कि हम दो लेसन हमें आ गए लेकिन हम सेल के बारे में अभी तक क्या हमने एक खोदा भी नहीं है ऊपर का, इतना डिटेल में सेल अंदर काम करता है। तो हमें बहुत अचंभित होना है कि परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया है ना इतने सुंदर तरीके से। तो अभी देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन दो स्टेजेस में होता है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता कैसे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन इन द डीएनए ऑफ एवरी सेल इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पोर्टेबल आरएनए मैसेजेस। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है ना, अभी हम एक सेल की बात करते हैं, जो सेल में डीएनए का इन्फॉर्मेशन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पोर्टेबल आरएनए मैसेजेस। ठीक है, अभी हमने देखा था ये सेल है, सपोज सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है कि नहीं। अब ये डीएनए से, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, ये डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ना आरएनए, छोटे छोटे आरएनए मैसेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पोर्टेबल आरएनए मैसेजेस। क्या इन्फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इन द डीएनए इज कन्वर्टेड इंटू स्मॉल पोर्टेबल आरएनए मैसेजेस। इसका मतलब क्या है, अभी आरएनए को डीएनए से इंफॉर्मेशन तो लेके आना है ना, ये आपका डीएनए है। अभी आरएनए, ये इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के पास है उसको क्या करता है मालूम है, वो सिर्फ वो ना इन्फॉर्मेशन बाहर लेके आने का काम करता है। लेके कैसे आएगा वो, उसको ऐसे आप इमेजिन करिए कि वो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस, ऐसा एक छोटा छोटा पोर्टेबल मैसेजेस, पोर्टेबल मतलब वो बाहर निकाला जा सकता है इन्फॉर्मेशन। डीएनए तो बाहर नहीं आएगा, आरएनए को डीएनए का इन्फॉर्मेशन बाहर लेके आने का है, तो कैसे लेके आएगा, उसको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस में बनाएगा या स्मॉल मैसेजेस में बनाएगा, जैसे हम लोग छोटे छोटे एसएमएस भेजते हैं ना वैसे। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन के टाइम क्या होता है, यही मैसेजेस ट्रैवल फ्रॉम वेयर द डीएनए इज इन द सेल न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स वेयर दे आर रेड टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, डीएनए का इन्फॉर्मेशन वॉज कन्वर्टेड इंटू स्मॉल पोर्टेबल आरएनए मैसेजेस। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, दीज मैसेजेस आर सॉरी दीज मैसेजेस ट्रैवल, अभी ये जो छोटे छोटे मैसेजेस बनाती है ना, अभी दीज मैसेजेस ट्रैवल फ्रॉम वेयर द डीएनए इज इन द सेल न्यूक्लियस, द डीएनए इज दैट इज इन द न्यूक्लियस, इन द सेल न्यूक्लियस टू वेयर, टू द राइबोसोम्स। हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ना पिछले पेज में, टू द राइबोसोम्स, जहां पर वेयर दे आर रेड टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, अभी आपको आई होप ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा क्लियरली समझ में आया कि अभी हो क्या रहा है। जीन एक्सप्रेशन में क्या हो रहा था, द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोटीन, वो है जीन एक्सप्रेशन। लेकिन जीन एक्सप्रेशन होता कैसे है, दो स्टेजेस में होता है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन स्टेज होता है, दूसरा है ट्रांसलेशन स्टेज। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पोर्टेबल आरएनए मैसेजेस। व्हाट हैपेंस इन ट्रांसक्रिप्शन, द इन्फॉर्मेशन इन द डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पोर्टेबल आरएनए मैसेजेस। व्हाट हैपेंस इन ट्रांसलेशन, दीज मैसेजेस converted by RNA into small portable RNA messages, these messages travel, मतलब they travel from where,
फ्रॉम द न्यूक्लियस आउट फ्रॉम वेयर द डीएनए इज इन द सेल, सेल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है ना, वहां से ये मैसेजेस बाहर निकल के किधर आते हैं, राइबोसोम के पास. दे कम टू द राइबोसोम वेयर दे आर रेड. इधर इनकी इनका जो ये मैसेजेस ये इसने बनाए थे उसको खोल के पढ़ते हैं. आप इमेजिन करिए कि उस सेल के अंदर जो राइबोसोम है उधर ये इंफॉर्मेशन खोल के पढ़ा जाता है. आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी तक पहुंचाना है, तो आप कोई बिचवाई का यूज कर रहे, तो आप क्या करें, आपके पास वो मेन इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपने एक खत में उसको लिख दिया है, यू रोट इट इन अ लेटर एंड यू सील्ड इट एंड देन यू गिव इट टू योर फ्रेंड टू गिव इट टू योर टीचर और योर प्रिंसिपल और हुएवर. तो वो है राइबोसोम फैक्ट्री, जो आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका ये लेटर पढ़ के उसके ऊपर एक्शन करके, अगर आपने कुछ कंप्लेन किया है किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में, तो ये जो है ना, या सपोज आपने कुछ बोला है कि मेरे को ये स्कूल के लिए देना है या प्रेजेंट करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर राइबोसोम फैक्ट्री या तो प्रिंसिपल के पास पहुंचेगा और ये खोल के उसको पढ़ के क्या करेंगी, उसके ऊपर एक्ट करेंगी और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर. तो यही सेम प्रोसेस इधर चल रहा है. सेल के न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए का इन्फॉर्मेशन आरएनए छोटे छोटे मैसेजेस में कन्वर्ट करके बाहर निकल के आरएनए के पास लेके जाता है, सॉरी उसे राइबोसोम के पास लेके जाता है. ये है आपका राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम के पास लेके जाता है, राइबोसोम उसको वहां पर पढ़ के स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है. तो आपका सेंट्रल डॉग्मा क्या था, कन्वर्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीएनए टू मेक न्यू डीएनए, ठीक है, इसको कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन. द सेंट्रल डॉग्मा स्टेट्स दैट द पैटर्न ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन आवर सेल्स, जो हमारे सेल में जो पैटर्न है इन्फॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो हमारे सेल्स में होता है, वो कैसे, फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीएनए टू मेक न्यू डीएनए या तो डीएनए रेप्लिकेशन, फ्रॉम डीएनए टू मेक न्यू आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, फ्रॉम आरएनए टू मेक न्यू प्रोटीन्स यानी कि ट्रांसलेशन, ठीक है. तो क्या हो रहा है सेंट्रल डॉग्मा में, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसे, डीएनए से नया आरएनए बन रहा है इस प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन में, और आरएनए से नए प्रोटीन बन रहे हैं ट्रांसलेशन में, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिपलेट कोडोन्स के बारे में. अभी एक था इंडियन साइंटिस्ट जिसने ट्रिपलेट कोडोन्स डिस्कवर किया था, आप लोग उनका आपका उनका नाम आपके टेक्स्ट बुक में है, हर गोविंद खुराना, ठीक है, डॉक्टर हर गोविंद खुराना, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था ट्रिपलेट कोडोन्स को डिस्कवर करने के लिए. हम लोग देखते हैं ये ट्रिपलेट कोडोन्स क्या होते हैं, ठीक है. अभी हमने देख लिया कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फंक्शनल प्रोडक्ट है प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन किससे बने हैं, प्रोटीन का जो जो स्ट्रक्चर किससे बना है, अमीनो एसिड से. प्रोटीन का स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. सो वॉट आर ट्रिपलेट कोडोन्स, तो अभी ये ट्रिपलेट कोडोन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ओके. सो गो थ्रू डीएनए एंड व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, हाँ, एंड व्हाट इज हेरिडिटी. तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है डीएनए के जो इन्फॉर्मेशन पास करता है डीएनए आरएनए को और आरएनए राइबोसोम को जिससे प्रोटीन बनता है. फिर हम नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट ट्रिपलेट कोडोन्स, ओके.